आदर्श शिक्षक समिति बारहवीं द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर जिसके अंतर्गत लेसन टू के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन टू जिसके अंतर्गत है लेटेस्ट लेटर्स। तो ये लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन O P Q R S T U V W X Y Z ये कुल लेटर्स हैं। तो इनको अपन गिनेंगे कुल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 के अंदर जो आपको वोवल्स होते हैं उनको अलग करना है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ए ई आई ओ और यू, ये वोवल्स होते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। 1 2 3 4 5 वोवल्स होते हैं, वो होते हैं कुल 5। कितने होते हैं? 5। अब शेष रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? कंसोनेंट्स। क्या कहलाएंगे? कंसोनेंट्स। जो शेष रहे हैं वो कंसोनेंट्स कहलाएंगे। कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। ए के अंदर आ गया तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनको अपन गिनेंगे 21 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो इनकी संख्या होती है 21। आगे कुछ ना है कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वोवल्स कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश में वोवल्स होते हैं कुल 5 और ये होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 और ये होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इनकी संख्या होती है 21। आपको अलग अलग पहचान करनी है। पूछ लेते वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू और इनकी संख्या होती है 5। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो वोवल्स निकल जाते हैं अल्फाबेट के अंदर वोवल्स जितने होते हैं वो अलग कर देते हैं किसे रहते हैं कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है 21। कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है 21।
अब आगे एक एक्सरसाइज है, आप उसको ध्यान से समझेंगे। वोवेल्स को अलग करना है, क्या करना है इसको अलग करना है। जैसे यहां दिया हुआ है जी एच आई डी डी ओ एस टी डब्ल्यू ई वाई जेड ई वाई जेड और ए, इनको क्या करना है अलग करना। अलग क्या करना है इसमें वोवेल्स आएंगे, और वोवेल्स आपको मैंने बता दिया कि ये ही आर ओ यू ही वोवेल्स होते हैं। तो ये लेटर्स किस किस का आता है देखो, जैसे आई आया हुआ है, आई क्या है वोवेल्स है, ओ क्या है वोवेल्स है, ई क्या है वोवेल्स है, और ए क्या है वोवेल्स है। आप इसको नीचे लिख सकते हो, तो आई आई को लेकर आए ओ ई और ए, ये क्या कराएंगे वोवेल्स कराएंगे। अब बी, बी के अंदर क्या होता कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स इनको कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स का क्या होता है व्यंजन, और ये कितने होते हैं कुल, यहां दिया हुआ है 21 और 21 और 5, तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ये कुल कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। आपको यहां खालिस्तान में क्या भरना है 21। सी, लेटर्स फुल होते हैं, लेटर्स फुल होते हैं, आगे लिखा हुआ 21, 5 और 26, तो कुल लेटर्स कितने होते हैं 26। पहले भी अपना इसके बारे में अध्ययन किया है, फुल कितने होते हैं 26, तो आपको यहाँ फुलिंग में पढ़ना है 26 लेटर्स होते हैं। आगे हैं वोवेल्स होते हैं, भी वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं 21, 5, 25 और 25। वोवेल्स कितने होते हैं ए ई आर ओ यू, इनको गिनते हैं तो ए होते हैं 5, तो यहां आपको कितने करने हैं 5 वोवेल्स होते हैं 5। नीचे दिए गए शब्दों में से वोवेल्स आती है, इसको किस प्रकार से करना है आपको समझ में ध्यान से समझ लो। जैसे मैं कोई भी स्पेलिंग हो, जैसे मैं लिख रहा हूं पेपर ए बी बी एफ ई, आपको कह दिया जाए कि इनके अंदर वोवेल्स कौन कौन से होते हैं साथ में, तो आपको जैसे इसमें पी आया वोवेल्स हैं, हैं पी कॉन्सोनेंट्स हैं, ए भी पी कॉन्सोनेंट्स हैं, एल कॉन्सोनेंट्स हैं और ए क्या है वोवेल्स हैं, तो आप आगे लिखना के और ई। जैसे कोई भी स्पेलिंग दे दिए एल एम दे दिए ई एल ई पी एच एल एम, इसके अंदर वोवेल्स साथ में, तो ई वोवेल्स हैं, ई वोवेल्स हैं, हैं ए वोवेल्स हैं, आप लिखोगे ई ई और ए, कोई भी दे दिया जाए अम्ब्रेला, इसके अंदर वोवेल्स आते हैं, तो जैसे यू वोवेल्स हैं, एम कंसोनेंट्स हैं, बी कंसोनेंट्स हैं, आर कंसोनेंट्स हैं, ई वोवेल्स हैं, एल कंसोनेंट्स हैं और ए वोवेल्स हैं, तो आपको आगे बढ़ना है यू ई और ए। इस प्रकार से ये आपको काम करना है, ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज बी इसी प्रकार से करना है। तो नीचे ऑल पर 1 से लेकर के 10 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, इसको भी क्या करना है आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ये करेक्ट आपको जहां से बहुत सुंदर विकास से कहा। थैंक्स।